If we're going to prioritise paying public sector workers more, that money has to come from somewhere else because I'm not prepared to put up people's taxes and I don't think it would be responsible or right to borrow more because that would just make inflation worse. So, what we have done are two things to find this money. The first is we're going to increase the charges that we have for migrants who are coming to this country when they apply for visas and indeed something called the Immigration Health Surcharge, which is the levy that they pay to access the NHS. So all of those fees are going to go up and that will raise

भी रूल्स बन चुके हैं इसलिए आज मेरा मन कह रहा है क्या हमें और इतना रलाओगे जो माइग्रेंट यू के आना चाहते हैं इस टॉपिक पर, पर आपने आज का वीडियो बिल्कुल स्किप किया बिकॉज आपकी लाइफ और आपका पैसा डिपेंड करेगा इस वीडियो के ऊपर वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन मेरा नाम है गैरी आपका मेरे चैनल गैरी टी पर दिल से स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे यूके के साथ ऐसे रोल जो आपको रुला देंगे और ये सोचने मजबूर कर देंगे जो कि यहाँ के न्यूज़पेपर चैनल कह रहे हैं क्या ऋषि सोना रेसिस्ट बॉर्डर लाइन है तो इस पर डिस्कस इन डिटेल पर क्यों इतने सारे रूल्स बन रहे हैं और एक एक कर, कर वो सारे रूल्स माइग्रेंट के अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं जो कि माइग्रेंट यहाँ पर इवन टैक्स पे करते हैं जो ऑलरेडी रह रहे हैं और इवन कि इंडिया या किसी और भी कंट्री से यहाँ पर आना चाहते हैं पर इसको डिस्कस डिस्कश डिटेल पर जी जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जाए गार्डियन सबसे बड़ी न्यूज है उन्होंने कहा बॉर्डर किड्स स्लैम्स ऋषि सोनक प्लान टू फंड पे राइज विद हायर माइग्रेंट फेस चैरिटीज यूनियंस एंड पोर्टन से डिवर्स पॉलिसी विल डैम यूके के कैनोवी बाई स्क्वीजिंग वर्कर्स फ्रॉम ओवरसीज लोगों ने यहां तक भी कहा है कि ये गवर्नमेंट प्लान कर रही है पब्लिक सेक्टर से उन्होंने पे जो इंक्रीज़ कर दिया जो पब्लिक सेक्टर के लोग होते हैं यूके के वो कहाँ से इंक्रीज़ किया उन्होंने की है वो इंक्रीज़ जो आप जैसे मांग यूके आओगे आपका एनएचएस हेल्थ चार्ज को बढ़ा दिया कितना बढ़ाया दिखाया जा रहा है यहाँ पर सिक्स टू फोर एट द मोमेंट है जो कि नीली साठ हज़ार है उसको कर लिया एक लाख के करीब वन जीरो थ्री फाइव पाउंड एजर फॉर ईच पर्सन मतलब कि फोर वन सेवन परसेंट इंक्रीज़ कर दिया है विद इन फाइव ईयर्स अगो द फीस फॉर इंटर स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन विद रेज फ्रॉम फोर सेवन जीरो टू सेवन सेवन सिक्स एट मतलब कि कि ने अनाउंस किया है कि जो पे तो राइस करेंगे, 5 -7 जो करेंगे से पब्लिक पब्लिक सेक्टर सेक्टर यूके के हैं, हैं, चाहे 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 वो चाहिए वो आ, वो वो में काम कर रहे पर ये सारा पैसा वो कहां से लेंगे? आप खुद देख सकते हो ये सारा पैसा वो लेंगे आप इसे माइग्रेंट से जो लोग इंडिया पाकिस्तान किसी भी से आना चाहते हैं क्रिस्टियन जनरल फेलियर टू फंड पब्लिक सर्विस प्रॉपरली तो काफी लोग इसका ओपोजिट उप, कर रहे हैं पर गाइस एक न्यूज है बहुत लोगों में बदल जाएगी और बहुत जल्दी आपको भी एन के फंड्स की फीस पे करने पड़ेंगे पर जो भी आदमी फ्री में सी गड्ड बनवाना चाहता है या मुझसे बात करना चाहता है कैनेडा जाना चाहता है फिनलैंड जो आदमी वीडियो को देखो लाइक और कमेंट करेगा वो मेरे साथ चलेगा नेक्स्ट कहीं कैनेडा और फिनलैंड जिस पर कर सारा खर्चा मैं उठाऊंगा अब डिस्कस करते हैं वो सारे साथ ऐसे लॉ जो आपके फ्यूचर को डैमेज कर सकते हैं इन फ्यूचर में पर उससे पहले गुड न्यूज आपको तीन दी जाएंगी यूके ने शुरू किया है सीजनल वर्कर वीजा आम जैसे नॉन ई या ई के लोग के लिए और इसके लिए कोटा है फोर्टी फाइव जहां पर आप लोग अनपढ़ किसान के बेटा बेटी भी यूके अगर काम कर सकते और इसके लिए आपको सिक्स मंथ काम करोगे और इवन यूके ने शुरू किया नया वीज़ा पॉलिटी वर्क का जो अक्टूबर 2023 का शुरू होगा जहां पर आप मुर्गी खाने में काम करकर, कर कर ढाई तीन मिनट एक्सपीरियंस लेकर यहां से आगे चैनल कंट्री में भी जा सकते हो तो ये कि न्यूज़ है इसके लिए आपको मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल पर देखना पड़ेगा और गवर्नमेंट और यू वेबसाइट बाइबल की तरह आप चाहिए ना मैं को वकील हूँ ना ही मैं कोई एजेंट हूँ सेकंड गुड न्यूज़ ये कि यूके ने शुरू किया था अभी लॉटरी यूके वर्क वीजा जो आपको साइड पर दिखाया जा रहा है बहुत से लोगों का लग भी गया है और क्लिप्स भी साइड पर दिखाई जा रही है इन लोगों ने भी खुशी जाहिर की थी मेरे इंस्टाग्राम पेज गैरी बैक पर जहाँ पर आप, आप आकर मुझसे दोस्ती कर सकते और ईवन कि मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया आप मुझसे बात करने के लिए एक हज़ार अपनी करियर गाइडेंस भी ले सकते हो तो यूथ मिल्टी वीजा जिनका सक्सेस नहीं हो ड मत तीन चार महीने में जनवरी दो हज़ार में फिर खुल जाएगा जहाँ पर ना तो आप इंग्लिश चाहिए ना आपको कोई जॉब ऑफर चाहिए ना कोई एक्सपीरियंस है बस वो आपका इंडियन पासपोर्ट है आप उस एंट्री में अपना नाम डाल सकते और 3000 सीट्स रैंडम निकलती वो आपकी क्वालिफिकेशन देख कर आपको 3000 सीट्स नहीं देते तो ये है क्लॉटी वर्क वीज़ा तो ये सेकेंड न्यूज थी और थर्ड न्यूज ये थी बहुत सारी डिस्कशन की जा रही है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जो स्टूडेंट्स का उसको कम करके दो साल से छह महीने कर दिया है ये डिस्कस्टिंग न्यूज है ऐसा अभी तक मैंने न्यूज़ में नहीं देखा जब तक हम गवर्नमेंट की वेबसाइट पर दिखाई दे रही वहाँ पर नहीं देख लेते तब तक मुझे यकीन नहीं होता बिकॉज बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम लोग न्यूज़ देते हैं जो एक न्यूज़ चैनल्स में होती हैं या एक न्यूज़पेपर में होती है पर मैंने ऐसा कोई लॉ नहीं देखा है जो बच्चे यूके आना चाहते हैं सितंबर 2023 पे जनवरी 2024 पे जो ऑलरेडी यूके में है आपको दो साल का ही पोस्ट्रेजन मिलेगा क्योंकि ये अभी कम नहीं हुआ है और इसको ओपोजिट कर रहे हैं सारे यूनिवर्सिटी यू उनको पता है कि अगर ये रूल बन गया कोई यू नहीं आएगा मैं खुद कहता तो आप भी बता रहा क्योंकि छः महीने में कहाँ जॉब मिल जाती है यार दो साल बहुत बड़ी बात है एटलीस्ट दो साल आप यहाँ स्कैंडल जा सकते हैं ना ट्विटर लगा कर और अमेरिका भी जा सकते हो तो गाइस पर अभी ऐसा रूल्स नहीं बना है ये एक न्यूज़ है जो कि एक फेक भी हो सकती है जब तक तो लॉ में नहीं बन जाते पर हाँ एक बात सत्य है कि अगर आपने कॉलेज बंद किया एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गए और उस सब्जेक्ट हमने री देने के लिए दोबारा से सीरियस नहीं हुए और आपका कोर्स एज पर कैश कंप्लीट नहीं होता है देन आपको पोस्ट मिलेगा दो हज़ार तेईस में भी नहीं मिलेगा चाहे बाईस में आए हो चाहे इक्कीस में फिर आपको कोई नहीं अब आपको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट देकर आपको इंडिया बाय बाय बोल देंगे तो आपका कोर्स कंप्लीट होना बहुत ही जरूरी है आप डिस्कस करते हो सारी बैड न्यूज़ पर कहीं भी एक वीडियो दिल को रहा है मेरी इतनी फैमिली प्रॉब्लम्स है हेल्थ इश्यूज़ है हृदयनंद हॉस्पिटल रहता फिर वीडियो बनाता हूँ तो एक लाइक चाहिए जो ज़्यादा नहीं है मेरे डायलाख फॉलोअर्स है जो भी आदमी इंसान तो इंसान आप में से अच्छा है वीडियो को लाइक करेगा और सब्सक्राइब लीजिए देखा उसको दबा लीजिए क्योंकि मैं पहला यूट्यूबर जो उन्नीस साल से यू में एज ए स्टूडेंट रह रहा हूँ फिर तो डिस्कस करते कौन से ट्वेल्व पॉइंट्स थे एक बार रिपीट किया जाता है और मैंने अभी ऑलरेडी बोला है कि वो जो केयर वर्कर है वीज़ा इसको बंद करने जा रहे हैं इसकी नॉर्मेंट आ रही केयर वर्कर का वीज़ा वो होता है कि अगर आपके पास इंडिया में सिक्स मंथ का एक्सपीरियंस है किसी इवन दादा दादी के आफ्टर कर रहे हो आप यूके जा सकते हो और इसमें आपके हस्बैंड पति देव जी जिनको सलाम है मेरी तरफ से आपके पति देव और आपके बच्चे आपके साथ जा सकते हैं और मैम आप बड़े आराम से आप पर आपका पैकेज पच्चीस लाख से पैंतीस लाख शुरू होता है और इवन कि आपके लाखों लोग लिया इंडिया ने पूरे से और सबसे लिया इंडिया केरला से और पंजाब हरियाणा से पर इसको बंद करने जा रहे हैं इसको बंद करने से क्या होगा एक लाख सत्रह हज़ार जो इनके जो फिगर्स है प्रोड्यूस हो जाएंगे बता रहा है यहाँ पर ये चाहेंगे इक्कीस में टोटल फोर हंड्रेड लोग आए थे और 2022 में वो छः लाख छः हज़ार आ गया तो इसको रिड्यूस करने के लिए बारह प्लान बनाए गए हैं और ये रिड्यूस कर टू दो लाख चालीस हज़ार इसको कम कर दे और ये कम होना बहुत ही ईजी है तो पहला स्टेप क्या के है केरल का के वीज़ा को बंद किया जा रहा है फिर उन्होंने कहा है कि जो एट द मोमेंट जो आपकी जो सैलरी रफली फ्री छब्बीस हज़ार होती है जिसमें आप स्किल वर्कर वीज़ा लेकर इंडिया पाकिस्तान अफ्रीका पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी आ सकते हैं पर उन्होंने उसकी जो एवरेज सैलरी है वो बढ़ा दी है थर्टी एट थाउजेंड इसका ऑलरेडी जो जो भी इम्प्लॉयर अब आपको जॉब देगा अगर आप में बहुत जारी हाई स्किल्ड है तभी वो देगा बिकॉज उसको सैलरी देनी पड़ेगी अठतीस लाख और ऐसा करने से बहुत सारे एम्प्लॉयर्स आपको जॉब इंडिया से नहीं देंगे उससे क्या होगा यू के जो रहा है वो रिड्यूसिंग फिफ्टी फोर थाउजेंड जो कि बहुत ही एक गंदा प्लान है मेरी निगाह में और इससे यूके की नॉबी इफेक्ट पड़ेगा बिकॉज उनके पास इंडिया बेंगलोर से दिल्ली के बच्चे जो बहुत ही टैलेंटेड है वो नहीं आ पाए बिकॉज उन्होंने सैलरी प्रेशर बढ़ा दिया है और उसके अलावा सबसे डिस्टर्बिंग न्यूज़ ये है कि यूके एक ऐसी कंट्री थी जहां पर आइलेट्स गर्ल का रूल नहीं था मतलब कि पति देव अगर पैसा पंद्रह लाख स्पेंड करते हैं तो इनको मैं दिल से प्यार वो अपनी वाइफ के साथ फर्स्ट डे जा सकते थे और पति देव जी कोई ना तो यहाँ पर इंग्लिश देना पड़ता था और ना ही कोई क्वालिफिकेशन मतलब कि लड़का फर्स्ट डे अपनी वाइफ पर डिपेंड होकर यू जा सकता था पर अनफॉर्चुनेट जनवरी दो हज़ार चौबीस से रूल बन गया है अब आपके पति आपके साथ यू नहीं आ सकते हैं क्योंकि यूके ने कहा है डिपेंडेंट क्वालिफाइड को का का रिसर्च कोर्स करने आओगे ऐसा करने से कर पचहत्तर एक्स्ट्रा माइग्रेंट और उन्होंने बना डिस्कस नहीं करोगा ना आपका टाइम लूंगा और उन्होंने कहा जो यूनिवर्सिटीज अच्छी स्टडी करेंगी अच्छे स्टूडेंट्स को लेंगी और पुअर परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज को बैन कर सकते हैं पर यह रूल बनानी है उससे फोर्टी स्टूडेंट्स और भी कम हो जाएंगे

सैलरी होनी चाहिए और मेरा पार्टनर जो आप में से या कोई भी किसी का भी पार्टनर आना चाहता है तो उसको बी लेवल में इससे बीस हज़ार माइग्रेस और भी कम हो जाएंगे और होती है, जिन्होंने अभी कारपेंटर ऐड किया था उनको बोला गया है कि आप जॉब मान बताते हैं कि इनकी शॉर्टेज पर अब आपको हाउसिंग को भी कंसिडर करना पड़ेगा और उन्होंने कहा सोशल जो हाउसिंग होती है वो काउंसिल को फाइव परसेंट नॉन यू को बाकी मतलब कि अब बहुत सारे लोग यू के आएँगे उनको घर भी नहीं दिया जाएगा और हेल्थ चार्जेस हमने बता ही दिया है जो सताईस तो सौ पर पर्सन पर ईयर पर होने जा रही है तो ऐसे पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं कि जो बहुत ही डिस्टर्बिंग हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यू क्यों ऐसे पॉइंट बना रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है शायद इलेक्शन आ रहे हैं या सेकेंड पॉइंट बहुत ही क्लियर है कि यू में जो माइग्रेशन है वो दो में बहुत सारी बढ़कर छः लाख छः हज़ार होगी जो कहीं ना कहीं बात सही भी छोटी सी कंट्री है इतने लोग आ रहे हैं तो इतने घर भी नहीं है और इतनी डॉक्टर फैसिलिटी भी नहीं है पर गायज मैं तो आपके बारे में सोचूंगा मैं आपको परिवार मानता हूँ कहीं भी बात करने का मन कर रहा टे -टे है यूके में मे टी जॉब कैसे फाइंड आउट करते हैं कौन सी वेबसाइट है सी कैसे बनाते हैं कैसे इंटरव्यूज देते हैं कैसे एक मंथ में जॉब ले जाते हैं आप मुझे कॉन्टैक्ट मेरे व्हाट्सअप पर या मेरे इंस्टाग्राटी पर बेचीज़े कर सकते हैं बिकॉज मैं हूँ आपके परिवार का हिस्सा जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है और मेरे डाई लाख फॉलो ढाई साल में बन गए हैं आई लव यू ओन स्टे सेम लेस पर गाइस ये वीडियो देखो लाइक और कमेंट अपनी फ्री एंटी कैंड ऑफ लेकर जरूर डालिएगा